हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फ्लेयर्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो, जो कि मेरे वार्डरोब कलेक्शन का एक पार्ट है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरे फेवरेट इयररिंग्स, माय करंट फेवरेट इयररिंग्स, जो मुझे आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो कुछ ज़्यादा कलेक्शन नहीं दिखाने वाली हूँ मैं, जो बहुत ही फेवरेट हैं सिर्फ वही दिखाने वाली हूँ जो मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना कलेक्शन देखना। सबसे फर्स्ट जो इयररिंग्स हैं आजकल, वो हर इंस्टा पेज पे, मार्केट में, लोकल मार्केट में, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। बट पता नहीं क्यों मुझे जनरली जो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं अच्छी नहीं लगती हैं, बट ये इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आते थे तो मैंने परचेज़ कर लिए। तो ये हैं फर्स्ट इयररिंग्स, ये चांद बाली टाइप्स के हैं और ऑक्सीडाइज सिल्वर कलर में हैं। इस टाइप के इयररिंग्स को आप एथनिक वेयर के साथ स्टाइल कर सकते हैं, वेस्टर्न के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर बहुत सिंपल ड्रेस है तो उसको थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक देने के लिए आप इस टाइप के इयररिंग्स को पहन सकते हैं। ये जो इयररिंग्स है आपको 100 से 150 की रेंज में इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। मैं एक दो इंस्टा पेजेस के लिंक डाल दूँगी जहाँ पर ये इयररिंग्स आपको अवेलेबल हैं। तो ये हैं फर्स्ट इयररिंग्स, काफ़ी लेंथ जो है काफ़ी बड़ी है और साथ ही जो वेट है वो भी मीडियम वेट है, बहुत हैवी भी नहीं कह सकते हैं और बहुत लाइट भी नहीं है। इस टाइप का ये लुक देंगे पहनने के बाद। तो इस टाइप के इयररिंग्स अभी तक मैंने इनको किसी चीज़ के साथ स्टाइल नहीं किया है। मैं जब भी स्टाइल करूँगी तो मैं अपनी जो पिक्चर है वो इंस्टा पे ज़रूर डालूँगी, तो मेरे जो लेटेस्ट पिक्चर्स हैं उनके लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये थे फर्स्ट इयररिंग्स। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, मैंने मिनीसो से इयररिंग्स खरीदे थे तो मैं आपको वो वाले इयररिंग्स दिखाती हूँ। तो ये जो है इस टाइप की पैकिंग में है, जो फर्स्ट वाले इयररिंग्स हैं ये बहुत ही प्यारे से लाइट वेट ब्लैक एंड सिल्वर कलर में ये इयररिंग्स हैं। इनको आप किसी लाइट साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं या फिर किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ, जीन्स टॉप के साथ, स्कर्ट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो है 200 रुपीज़ है और आई थिंक ये मुझे 25% ऑफ पे मिले थे। काफ़ी अच्छा जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। इस टाइप के इयररिंग्स आपको मिनीसो पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। मिनीसो पे इयररिंग्स का या बाकी चीज़ों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो इयररिंग्स हैं वो भी मैंने मिनीसो से ही परचेज़ किए थे। तो ये वाले इयररिंग्स हैं, कितने प्यारे और यूनिक से इयररिंग्स हैं ना, आप देख सकते हैं। इस टाइप के इयररिंग्स को भी आप वेस्टर्न वेयर के साथ स्टाइल कर सकते हैं या फिर साड़ी के साथ या प्लेन सूट के साथ। आई थिंक वेस्टर्न वेयर के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बट अगर आपका सूट काफ़ी सिंपल सा है कोई या साड़ी सिंपल है तो उसके साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो 260 रुपीज़ है और इन पर भी 25% ऑफ था। जो क्वालिटी है मिनीसो से जो भी इयररिंग्स मैंने परचेज़ किए उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब कि बिलीव नहीं करेंगे कि जो पीछे जो बंद करने के लिए जो कैप होती है वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि आपको लगेगा कि आपने बहुत ऐसे 1000-1500 की रेंज के इयररिंग्स लिए हैं, जैसे आप मैंगो से लेते हैं, ज़ारा से लेते हैं, उस टाइप की क्वालिटी के आपको इयररिंग्स मिलेंगे। तो मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। नेक्स्ट जो इयररिंग्स हैं वो भी मिनीसो से ही ले रखे हैं और वो जो इयररिंग्स हैं ये वाले इयररिंग्स हैं। इसमें 5 पेयर ऑफ इयररिंग्स हैं, छोटे छोटे स्टड्स काइंड ऑफ इयररिंग्स हैं। लाइक किसी किसी को पसंद होता है कि बहुत हैवी इयररिंग्स उनको पहनना पसंद नहीं होता है, स्टेटमेंट टाइप में बस छोटे छोटे डाल लिए, तो उस टाइप के ये इयररिंग्स हैं। और इनके पीछे देखिए कैप जो है वो 2-2 कैप है, मतलब हर एक इयररिंग्स के साथ 4 कैप्स दे रखी हैं, 2 कैप ईच इयररिंग, ताकि अगर आपकी गुम भी हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इनका प्राइस जो था वो 200 रुपीज़ था। आई थिंक 200 रुपीज़ में 5 इयररिंग्स तो बहुत अच्छे हैं, जबकि इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। मैंने इनको पहन के मतलब गीला भी कर लिया है तो भी इनका कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं गया है, बहुत अच्छे इयररिंग्स हैं। नेक्स्ट जो इयररिंग्स हैं वो ये वाले इयररिंग्स हैं,
मैं दिखाती हूँ आपको ओपन। ये ब्यूटीफुल से इयररिंग्स हैं, इनको आप किसी साड़ी के साथ या वेस्टर्न ड्रेस के साथ डाल सकते हैं। मोस्टली जो कलेक्शन आज मैं दिखा रही हूँ वो वेस्टर्न वेयर के साथ चलने वाला है। तो ये जो इयररिंग्स हैं थोड़े से मीडियम वेट की तरफ हैं, बट जो लुक है इनका वो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा सा लुक है। मैं आपको वेयर करके दिखा दूँगी कि कितने सुंदर ये लगते हैं पहनने के बाद। जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको पार्टी वेयर लुक में ये इस टाइप के इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। इनका जो प्राइस था वो मुझे 450 रुपीज़ पड़ा था, तो आई थिंक 450 के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी बहुत। जो इयररिंग्स हैं वो ये सिंपल से, बहुत ही सिंपल से हैंगिंग इयररिंग्स हैं। ये मुझे मेरी आंटी ने गिफ्ट किए हैं, तो इस टाइप के इयररिंग्स को भी आप किसी भी चीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हैं, जीन्स टॉप के साथ, ड्रेस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। बहुत ही लाइट वेट हैं, बहुत ही लाइट वेट और क्लासी लगते हैं। आप रूटीन में इस टाइप के इयररिंग्स को डाल सकते हैं अपना, आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर आप ऑफिस वर्किंग हैं तो आप इस टाइप के इयररिंग्स को डाल सकते हैं। इनमें मेटल का ये आउटर फ्रेम है और अंदर जो है थ्रेड की फिलिंग हो रखी है, तो ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इयररिंग्स हैं वो ये स्टड्स हैं, मरून कलर के हैं और इनकी जो आउटर बाउंड्री है वो सिल्वर कलर में है। ये भी बहुत प्यारे हैं, मतलब पहनने के बाद ऐसे लगता है आप कुछ गले में डालो ना डालो, आपने सिर्फ ये डालना है और आपका जो ओवरऑल लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप इसको भी रूटीन वेयर में भी डाल सकते हैं और पार्टी वेयर में भी, किसी में आपको अगर हैंगिंग वगैरह जिसको पसंद नहीं है तो वो इस टाइप के इयररिंग्स को अपनी पार्टी फंक्शंस की किसी ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकते हैं। जो इयररिंग्स हैं वो मैंने पहन रखे हैं। आजकल इस टाइप के हूप इयररिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, ये भी आपको लोकल मार्केट में या फिर किसी भी इंस्टा स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे। ये मैंने 50 रुपीज़ के लोकल मार्केट से लिए थे। थोड़ा सा वेट जो है वो हैवी है तो ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है अगर ज़्यादा देर तक पहनो, अदरवाइज़ जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इयररिंग्स है वो ये गोल्डन कलर के इयररिंग्स हैं इन द शेप ऑफ डायमंड। इस टाइप से इनको डालना है, जैसे जिनको सिंपल सोबर चीज़ें पसंद होती है ना तो उनको इस टाइप की चीज़ें पसंद आती हैं। बिल्कुल लाइट वेट है, लाइक आपने पहन रखा है आप सोच ही नहीं सकते कि आपने कुछ पहन भी रखा है, इतने लाइट वेट हैं। और इस टाइप के इयररिंग्स को भी आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरीके की ड्रेसेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं, वेस्टर्न के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये भी मैंने लोकल मार्केट से 50 रुपीज़ में लिए थे। 50 रुपीज़, यू कांट इवन इमेजिन कि इतने सुंदर इयररिंग्स 50 रुपीज़ में मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हैं वो ये इस टाइप के हैंगिंग में हैं इयररिंग्स। इसमें 3 लेयर्स हैं, फोर लेयर्स हैं, छोटी लेयर है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो इस टाइप के इयररिंग्स को भी आप जैसे आपके इवनिंग गाउन्स हो गए या फिर आपकी वन पीस ड्रेसेस हैं थोड़ी फैंसी टाइप की उसके साथ, या फिर आपके सिंपल सी साड़ी है लाइट वेट उसके साथ आप कैरी कर सकते हैं। जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, पार्टी फंक्शन कुछ है तो उस टाइम पे वो इस टाइप के इयररिंग्स को कैरी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही लाइट वेट हैं, बहुत लाइट वेट, और सबसे बड़ी बात है इसमें कुछ भी पीछे से बंद करने का नहीं, आप इजीली इनको पहन सकते हैं। तो इस टाइप के इयररिंग्स जो हैं वो मतलब हर लड़की के पास आई थिंक होने ही चाहिए, किसी भी चीज़ के साथ आप इनको ईजीली स्टाइल कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो इयररिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये वाले इयररिंग्स हैं। इनको भी आप वेस्टर्न वेयर के साथ, टॉप वगैरह के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ब्लैक कलर में है, इसके बीच में गोल्डन कलर का बीड है और नीचे इसमें ब्राउन कलर की ये स्टिक दे रखी है। लेंथ वाइज हैं तो जैसे जिनका फेस थोड़ा हैवी है तो वो इस टाइप के इयररिंग्स डाल सकते हैं, तो उससे उनका फेस का जो लुक है थोड़ा इलोंगेटेड दिखता है, थोड़ा सा फेस पतला और लंबा दिखता है। जैसे मेरा फेस है तो अगर मैं इनको कैरी करती हूँ तो वो मेरा फेस थोड़ा सा पतला दिखता है। तो इस टाइप के इयररिंग्स को भी आप वेस्टर्न वेयर के साथ कैरी कर सकते हैं अगर आपका फेस हैवी है तो
तो ये थे आजकल जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वो इयररिंग्स थे, माय करंट फेवरेट इयररिंग्स थे। होप आप लोगों को भी अगर अच्छे लगे होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको अच्छे लगे हैं तो। और कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं ताकि मैं उस वीडियो पर काम करूँ और आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।